तो गाइस इसके अंदर है हमारा बेटा फिश का टैंक सेटअप एंड गाइस जो हम नई मछली लेकर आए हैं उनका भी टैंक सेटअप इसके अंदर है। अगर आप फिश के हॉबीस्ट हो, आपको फिश पालनी है, आप स्टार्टिंग बाउल से करना चाहते हो तो गाइस आपको मैं रिकमेंड करूंगा। Hey guys, this is Abhijit Dhiman और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल स्मार्ट डीएफ व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। एक्चुअली गाइस सॉरी बिकॉज गाइस व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा आगे से आपको टाइम पे व्लॉग मिल जाए। तो गाइस जैसे कि लास्ट वीडियो मुझसे कमेंट्स आए थे एंड गाइस मेरे पे डीएम भी आए थे, लोग पूछे थे कि मैं अपनी मछली कौन सा खाना देता हूं एंड कौन सा फिल्टर यूज करता हूं एंड अपने फिश टैंक कैसे मेंटेन रखता हूं एंड साथ साथ कैसे अपनी मछली कौन सी दवाई देता हूं। तो गाइस इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आगे व्लॉग मिल जाएगा, व्लॉग बन जाएगा एंड गाइस साथ साथ आपको बता देता हूं अभी हम जाने वाले हैं फिश मार्केट। गाइस मार्केट क्यों जाने वाले हैं? तो गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है मेरे पास है एक बेटा फिश एंड गाइस मेरे पास है एक 4 फीट मोस्ट टैंक। गाइस जो मेरे पास बेटा फिश है वो मैंने रखी थी एक जग के अंदर, कंच का जग था जिसके अंदर रखी थी मैंने, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा एंड गाइस वो गाइस टूट जब मैं साफ कर रहा था। तो गाइस उसके बाद मैंने कुछ दिन से जो मेरा बेटा फिश है वो मैंने रखी अपने एक कंची ग्लास के अंदर जो कि वाइन वाला ग्लास जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस ये है वो ग्लास जिसके अंदर मैंने बेटा फिश रख के बहुत दिन से, बट गाइस ये बहुत छोटा है। तो गाइस मैं लेके आने वाला हूँ बाउल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी बेटा फिश के लिए बहुत जल्दी बाउल लेके आने वाला हूँ। तो गाइस अभी हम जाने वाले मार्केट एंड गाइस वहां से लेके आते हैं बाउल अपनी बेटा फिश के लिए एंड गाइस मेरे को अगर कोई अच्छी मछली मिल जाती है तो मैं गाइस वो भी लेकर जाऊंगा अपने टैंक के लिए, मोस्ट टैंक के लिए भी एंड गाइस अपने बाउल के लिए भी। तो गाइस अभी चलते हैं मार्केट एंड गाइस जिसने वीडियो देख लिया सब्सक्राइब नहीं किया कर देना जो कि मेरे आने वाले वीडियो तक पहुंच सके। तो गाइस जल्दी चलते हैं मार्केट, मिलते हैं आगे। ठीक है आया गाइस, मौसम हो रहा है खराब, मेरे को लगता है इतना वापिस आएंगे इतना बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदानी स्टार्ट हो चुकी है, फिलहाल हम चलते हैं मार्केट। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं फिश मार्केट जो कि है मेड में खैर के अंदर एंड गाइस बहुत ज्यादा पॉपुलर मार्केट है, यहाँ पे आपको हर तरह की फिश देखने को मिल जाएंगी एंड यहाँ बहुत सारी शॉप्स भी हैं फिश की एंड आपको यहाँ पे हर तरह का मछली खाना एंड दवाई एंड हर तरह की मछली देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई इंपोर्टेड फिश मंगानी है तो वही मंगा सकते हो कोई भैया से ऑर्डर देके बाहर से, जैसे अरवाना ईटी से वगैरह कोई भी मछली मंगा सकते हैं। एंड गाइस इस शॉप की खास बात ये है आपको हर बार नया नया स्टॉक देखने को मिलेगा, जैसे कि पिछली बार कुछ नया स्टॉक था एंड अब की बार कुछ नया स्टॉक है एंड अगर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब भी कुछ नया स्टॉक देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी हम लेते हैं यहाँ से अपने बेटा फिश के लिए बाउल एंड गाइस और हम देखते हैं कोई हमें अच्छी फिश लगेगी तो हम वो भी ले लेंगे अपने बेटा फिश के टैंक के लिए। तो गाइस वीडियो में देखिएगा। फिलहाल हमने फिश सेलेक्ट कर ली है एंड भैया भी फिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट ये फिश इतनी एक्टिव है हाथ में ही नहीं आ रही, छोटी छोटी फिश हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो गाइस आपको वीडियो में आगे बताएंगे हमने कौन सी फिश ली है एंड गाइस देख लीजिए कितनी सारी फिश है यहाँ पर। फाइनली हमारा बाउल एंड हमारी फिश हो चुकी है पैक एंड गाइस अब चलते हैं घर पर। गाइस बारिश पड़ी, अब देखते हैं जो भी होगा आगे। तो गाइस फाइनली आ चुके घर पर एंड गाइस कंडीशन देख लीजिए क्या हो रही है, पूरा भीग चुका हूँ मैं, बारिश बहुत जा रही है एंड गाइस देख लीजिए आप लोगों को कंटेंट देने के लिए मैं रात को गया मछली लेने बारिश में ही, बिकॉज गाइस वीडियो बहुत टेंशन नहीं डाल रहा था मैं, यानी कि 4-5 दिन हुए थे। तो गाइस देख लीजिए हम लोग आपको कंटेंट देने के लिए इतनी मेहनत करते हैं बट जब भी आप लाइक कमेंट नहीं करते एंड सब्सक्राइब नहीं करते तो गाइस जितने तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया आप कर देना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करिए। देख लीजिए बारिश में गया हूँ, सील कैसी होगी मेरी एंड कपड़े पूरे भीगे पड़े हैं देख लीजिए। गाइस यहाँ पर हमारा बाउल एंड फिश का स्टॉक जो हम लेकर आए हैं मार्केट से एंड गाइस वहाँ पर हमारा मोस्ट टैंक देख लीजिए एंड यहाँ पर हमारा बेटा फिश का कप देख लीजिए। तो गाइस इसके अंदर है हमारा बेटा फिश का टैंक सेटअप एंड गाइस जो हम नई मछली लेकर आए हैं उनका भी टैंक सेटअप इसके अंदर है। तो गाइस आइए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो गाइस निकालते हैं इसकी पन्नी एंड गाइस भैया ने दो पन्नी डाल के दी थी जिससे कि ये गीला ना हो इसके बॉक्स। गाइस फाइनली पन्नी हम निकाल चुके हैं देख लीजिए एंड यह हमारा बॉक्स जिसके अंदर भैया ने बाउल पैक कर रखा है। तो गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस फाइनली यहाँ पर है हमारा बाउल एंड गाइस देख लीजिए गाइस ये हमारा बाउल एंड गाइस साथ में भैया ने दिया हमें प्लांट फ्री
ये प्लांट है ये भैया ने साथ में फ्री दिया है, थैंक यू भैया। और गाइस मैं आपको भैया के शॉप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड गाइस भैया का जो दुकान का एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा एक बार। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर हमारा बाउल, एंड गाइस साथ में आपको दिखाता हूं अपनी मछलियाँ। तो गाइस फाइनली हमने बाउल के अंदर पानी ऐड कर दिया है, एंड गाइस हमने पानी ज्यादा ऐड नहीं किया है, पानी हमने कम ऐड किया है। एंड गाइस आपको रिकमेंड करूंगा मैं, अगर आप फिश के हॉबीस्ट हो, आपको फिश पालनी है, आप स्टार्टिंग बाउल से करना चाहते हो, तो गाइस आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप बॉल के अंदर फिश तो पालने कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइस आप पानी कम रखें, आधे थोड़ा ऊपर रखें, देखिए कितना पानी रखा मैंने, तो आधे से थोड़ा ऊपर पानी रखें, इससे मछली कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मोली गप्पी या फिर शॉर्ट टेल कोई भी फिश पाल लेना, बेटा फिश, बट पानी कम रखना आपको, बिकॉज गाइस ये मछली होती है बिना ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेती है, बट गाइस आपको ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना मिले उनको, वैसे आपको इतना पानी रखना है जिससे कि थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाए बाहर से, एंड वे आप सर्वाइव कर पाए। सो गाइस फिलहाल हमने एंटीज ऐड कर दिया अपने बाउल के अंदर, एंड गाइस यहाँ पर हमारा स्टॉक फिश का देख लीजिए, जो कि है शॉर्ट टेल। एंड गाइस हम करते हैं शॉर्ट टेल को अपने बाउल के अंदर ऐड, एंड गाइस इसके बाद करेंगे अपनी बेटा फिश को इसके अंदर ऐड। सो गाइस वीडियो बने रहिएगा, एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना। सो गाइस करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस ये है हमारी फिश, एंड फिश को निकालते हैं हाथ से। ओ भाई तो भाई देख लीजिए ये रही हमारी शॉर्ट टेल, जो कि हमारी फीमेल थी, एंड गाइस अभी मैं निकालने वाला हूँ मेल। एंड गाइस देख लीजिए यहाँ पे है शॉर्ट टेल का मेल, जो कि मैंने ऐड कर दिया है टैंक अपने बाउल के अंदर। और गाइस यहाँ पे हमारी बेटा फिश जो कि देख लीजिए ग्लास के अंदर है, ग्लास गंदा हो रहा है इस वजह से ना दिख रही हो, मैं आपको दिखाता हूँ पास से देख लीजिए। तो गाइस जाल निकालते हैं बेटा फिश को, तो गाइस ये रही है बेटा फिश देख लीजिए, ये भी करते हैं ऐड। जैसे कि लास्ट वीडियो का कमेंट आई थी, एंड बहुत सारे डीएम भी आते मेरे पास, लोग पूछते हैं कि मैं अपना मोस्ट टैंक जो है मेरे पास इसे कैसे मेंटेन रखता हूँ। तो कैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर 1.5 से 2 महीने के अंदर अपने टैंक के अंदर 30-40% पानी चेंज करता हूँ, एंड गाइस स्पंज जो इसका पोस्टर जिसमें अमोनिया जम जाता है वो भी साफ करता हूँ, एंड गाइस 6-7 महीने में अपने टैंक पूरा साफ करता हूँ, मैं बिल्कुल 0 पानी कर देता हूँ, इसलिए बाहर निकाल के अच्छी तरह से साफ करता हूँ। गाइस बहुत लोग पूछते हैं कि उन्हें कौन सा फिल्टर यूज करना चाहिए अपने टैंक के लिए, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट सही है तो आप टॉप फिल्टर ही यूज करें, बिकॉज गाइस टॉप फिल्टर बहुत ज्यादा अच्छी पावर होती है, आपका पानी अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। एंड गाइस अगर आपको कम बेड में अच्छा फिल्टर चाहिए तो गाइस फिल्टर होगा, जब मेरे पास 2 फीटर टैंक था गाइस मैं उसमें इंटरनल फिल्टर यूज करता था, जो कि आपको सामने दिखा देता हूँ साइड में देख लीजिए। एंड गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने मेंटेन कर सकते हैं टैंक को, एंड गाइस अपने टैंक को क्लीन रखना चाहिए जिससे आपकी मछली कोई दिक्कत ना आए, आपकी मछली भी सेफ रहेंगी। एंड गाइस टाइम टू टाइम खाना देते रहें, एंड गाइस एंटी ईच एंड एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं उनका यूज करें अपने टैंक के अंदर, तो आपकी मछली कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे हमारा 4 फीट मोस्ट टैंक, एंड गाइस देख लीजिए मेरी सारी फिश कितनी एक्टिव है, एंड मैंने फिलहाल इसका फिल्टर बंद कर रखा है जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, देख लीजिए मेरी शार्क, एंड गाइस यहाँ है मेरी जाइंट गुरामी, एंड उसके पीछे है मेरी नाइफ, एंड ऊपर है शॉर्ट बॉडी, एंड यहाँ पर हमारी जाइंट ओस्कर, एंड यहाँ पर हमारी पैरट देख लीजिए, और यहाँ पर हूँ मैं, एंड यहाँ पर है हमारा बाउल जो कि हम अभी लेकर आए हैं देख लीजिए गाइस, हमारी फिश कितनी एक्टिव है सारी खेल रही हैं, एंड अभी जो हमारी देख लीजिए बेटा फिश है वो थोड़ी नर्वस है, अभी नए टैंक के अंदर आई है तो थोड़ी वो दिक्कत हो रही है आई थिंक मेरे को लग रहा है। तो गाइस ब्लॉग करते हैं पैन, एंड गाइस जिसने अभी तक वीडियो तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, जो कि मेरे अनिल से वीडियो तक पहुंच सके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू गाइस।